इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रशिया का ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंडिया। और ये जो कॉलम है हिंट्स एंड हेल्प लैंग्वेज, यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेट करनी है। मैं कर रहा हूँ इंग्लिश। देन आपने यहाँ पर नीचे आई हैव रीड दिस इंफॉर्मेशन पे टिक करना है। देन कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना मनपसंद पासवर्ड सेट कर लेना है। देन कंफर्म पासवर्ड। देन यहाँ पर आपने कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला नंबर आप सेव करके रख सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप ड्राफ्ट में सेव रख सकते हैं और कभी भी उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। जो आपने पासवर्ड सेव किया है उसके दोबारा से आपको ये जो है आपका ड्राफ्ट में जो सेव होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उसको रीओपन कर पाएंगे, लेकिन सबमिशन से पहले। चलिए अब यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर हम आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, अगर आपके पास टूरिस्ट कन्फर्मेशन लेटर या टूरिस्ट इनविटेशन जो लेटर है वो आपके पास आ चुका है तो ही आप ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आने वाली है। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे उसके बिना। दूसरा, आपने जो यहाँ पे ध्यान रखना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, ये जो आप देख रहे हैं रेड स्टार लगे हुए हैं, ये वाले जो कॉलम हैं ये भरने ज़रूरी हैं, और जहाँ पर ये निशान नहीं होगा उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेशनैलिटी इंडिया, और इस कॉलम के अंदर नो पे क्लिक करना है। अगर आप इस कैटेगरी के एलिजिबल हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज ये नो पे ही रहेगा। पर्पस ऑफ विजिट, हम यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी टूरिज्म। वीज़ा कैटेगरी एंड टाइप कॉमन टूरिस्ट। नंबर ऑफ एंट्रीज, अगर आप डबल या मल्टीपल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, हम कर रहे हैं सिंगल के लिए। और यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया एज पर योर आइटनरी। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, 14 दिन से नीचे अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एज पर योर आइटनरी जो है आपको वीज़ा उन्हीं पर्टिकुलर जो डेट्स है उसका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे 8 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 का अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन्हीं तारीख का जो है हमें वीज़ा मिलेगा। अब इस पेज पे ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये सरनेम वाला कॉलम। अब बहुत से लोगों के पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट नेम के अंदर ही उनका पूरा नाम डाला होता है, फॉर एग्जांपल संदीप कुमार, फॉर एग्जांपल राजीव कुमार, या गुरमीत सिंह, या सज्जन सिंह, वो फर्स्ट नेम के अंदर होता है। लेकिन बहुत से लोगों का नाम होता है जैसे पूरा नाम है हरदीप सिंह, वो हरदीप जो है फर्स्ट नेम में और सिंह जो है सरनेम में होगा। या फॉर एग्जांपल कुलजीत सिंह बमरा, तो कुलजीत सिंह फर्स्ट नेम में आएगा और बमरा जो है वो सरनेम में आएगा एज पर योर पासपोर्ट। लेकिन अगर सरनेम नहीं है तो कैसे होगा? जिनका सरनेम नहीं है वो ये वाला आइकन यूज़ करेंगे, यानी हाइफन। आपने हाइफन यहाँ पे यूज़ करना है अगर आपके पासपोर्ट पर सरनेम ब्लैंक है तो, ठीक है। और फर्स्ट नेम जो भी है वो यहाँ पे आपने रखना है और सरनेम में हाइफन आपने यूज़ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सरनेम डालते हैं कुमार और फर्स्ट नेम राम, और यहाँ पे नो करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपने एज पर पासपोर्ट डालना है. एंड देन यहां पे पूछ रहा है इफ यू वर बॉर्न इन रशिया सिलेक्ट यस, तो ये कैटेगरी तो हमने यहां पे सिलेक्ट करनी है नो, लेकिन अगर इस कैटेगरी के अंदर आप हैं तो यस. देन नेक्स्ट, अब यहां पे पासपोर्ट नंबर डालना है एंड डेट ऑफ इश्यू, देन नेक्स्ट. अब ये जो पेज है आपके सामने ये सबसे जरूरी है, इसी पेज के ऊपर जो आपका टूरिस्ट कन्फर्मेशन लेटर है या इनविटेशन जो लेटर है आपका, चाहे वो टूरिस्ट है या कोई भी है, बिजनेस है या कुछ भी है, तो उसका जो है आपने यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डालनी है. रेफरेंस नंबर आपने जो आपके कन्फर्मेशन लेटर या इनविटेशन लेटर पर है वो आपने यहाँ पे भरना है. एंड आइटनरी प्लेसेस ऑफ विजिट, जिन शहरों को आप विजिट करेंगे एज पर योर आइटनरी, तो उन शहरों के यहाँ पे नाम डाल देने हैं. एक से ज्यादा है तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं. अब यहां पे अगर आप अपनी फाइल में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो आप लगा रहे हैं जो वैलिड हो रशिया में, तो आपने लगा देनी है यस कर देना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है. Have you ever visited Russia? अगर आप पहले रशिया ट्रेवल कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो. देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है. अब इस पेज के ऊपर आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहां पे डालना है एज पर योर पासपोर्ट. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे देखिए ये जो रेड स्टार है तो ये जरूरी है, और ये जो यहां पे रेड स्टार्स नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं. लेकिन यहां पर आप अपना फोन नंबर, अगर आपके पास फैक्स नंबर या ईमेल आईडी है तो यहां पे आप डाल भी सकते हैं. अब यहां पे नीचे इस कॉलम के अंदर आप देखिए कि डू यू वर्क और स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम, तो जो भी है वो आपने करना है यस. और यहाँ पे आपने नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो नाम डालना है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसका आपने यहाँ पे नाम डालना है. इस कॉलम में अगर आपके साथ कोई 16 साल से नीचे कोई ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है. इस कॉलम में अगर रशिया में आपका कोई रिलेटिव है रहता है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है. देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है. अब सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर योर वीजा डेस्टिनेशन नेम, यहां पे आपने जिस वीजा एप्लीकेशन सेंटर के अंदर या कॉन्सुलेट के अंदर या एम्बेसी के अंदर अगर आप डायरेक्ट फाइल लगाने जा रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना है. हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं रशिया वीजा सेंटर न्यू दिल्ली. Then next. तो अब कुछ इस तरह का आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, इसको आप यहां पर रीचेक कर लेंगे. अगर कुछ आपको लगता है कि गलती हुई है तो यहां से आप एडिट भी कर सकते हैं. किसी भी कॉलम को एडिट करने के लिए आप यहां से ये जो है यूज कर सकते हैं. तो अगर सारी डिटेल सही है तो यहां नीचे आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे. अब इस पेज पे आपने यहां पर जो ये प्रिंट A4 है इसको यूज करना है. अब कुछ इस तरह से ये आपके सामने
फाइल जो है आ जाएगी, इसको आप सेव कर लें। तो ये है जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और ये आपने रीचेक कर लेना है सारा। लेकिन अब ये सबमिट हो चुका है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एक चीज़, ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का ये फर्स्ट पेज है, और ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे जो है सेकंड पेज है, आपने इसका प्रिंट आउट बैक टू बैक लेना है। यानी फर्स्ट पेज इसके बैक पर, इसके पीछे आपका ये जो सेकंड पेज है ये प्रिंट होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोटोग्राफ आपने यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो जानकारी है तुरंत मिल सके। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।